वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार, नहीं झेल पाए कंगारुओं का वार। वार्नर ने पुष्पा स्टाइल में कर डाली धुनाई, मार्श ने भी मैदान के हर तरफ आग लगाई। अच्छी शुरुआत के बाद भी डगमगाई बाबर की सेना, नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का सामना। पहले भारत से हारे अब कंगारू ने चटाई धूल, कप्तानी में दिख गई बाबर की बड़ी भूल। कहते हैं ना, हाथ पर हाथ धरे रहने से और सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं हो सकता, वही ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं देता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है उसके लिए दीवानगी चाहिए, खुले आंखों से सपने देखने की जरूरत होती है। उस सपने को पूरा करने के लिए फिर तो कायनात भी आपके साथ हो जाती है। लेकिन पाकिस्तानी टीम में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, वो सिर्फ कुदरत के निज़ाम के सहारे ही चलते दिखे। फिर जो हुआ वो सबके सामने है। पहले तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के हाथों शर्मनाक हार हुई, वहीं इसके अगले मुकाबले में कंगारू टीम ने बाबर एंड कंपनी को धूल चटा दी। बेंगलुरु के हाई स्कोरिंग मैच में पहले तो कंगारू टीम ने 367 रन बनाए। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 400 के आंकड़े को आसानी से पार कर सकेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। लेकिन तब तक कंगारू टीम 350 के आंकड़े को पार कर गई थी। लेकिन ऐसा इसलिए संभव हुआ कि पाक कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। फिर तो पहले बैटिंग करते हुए वार्नर और मार्श का घातक अंदाज मैदान पर देखने को मिला। हालांकि वार्नर का एक कैच भी बिल्कुल शुरू में ओसामा मीर के हाथों छूटा। फिर तो डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दूसरे छोर पर मिशेल मार्श ने भी वार्नर के कदम से कदम मिलाया और दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने तूफानी शतक पूरे किए। इस दौरान मैदान पर छक्कों की बौछार देखी गई। वार्नर ने तो अपने शतक का जश्न पुष्पा अंदाज में मनाया, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो पहले तो ओपनर ने शानदार शुरुआत दी। पाकिस्तान का पहला विकेट 134 के स्कोर पर गिरा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के लगातार दूसरी हार की कहानी शुरू होती है। अब कमान बाबर और रिजवान के हाथों में थी, दोनों को अच्छी शुरुआत भी मिली। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड रन चेस के मामले में थोड़ा ठीक नहीं है। हुआ भी ऐसा ही, कप्तान बाबर आजम और रिजवान इतने बड़े रन चेज में फंस गए। फिर तो वो पाकिस्तानी टीम पर रन रेट का दबाव भी बढ़ता गया और एक वो समय आ गया जब पाकिस्तानी टीम ये मैच गंवा बैठी। बाबर आजम महज 18 रनों पर चलते बने, वो बाबर जिनका पाकिस्तान में हमेशा ही कोहली से मुकाबला होता है। लेकिन सच कहा जाए तो उन्हें खासकर रन चेज के मामले में किंग कोहली के आसपास भी पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना है। यहां बाबर ने फिर से पूरे पाकिस्तान को डिसअपॉइंट किया। ये ऐसा डिसअपॉइंटमेंट था कि उसके बाद पाकिस्तान इससे उबर ही नहीं पाया। बाबर का विकेट शानदार फॉर्म में चल रहे एडम जैम्पा ने झटका, इसके बाद से तो पाकिस्तान की पूरी उम्मीद ही खत्म हो जाती है। लेकिन यहां बाबर की बैटिंग के साथ साथ खराब कप्तानी की भी बात करनी होगी। सबसे पहले तो बैटिंग पैराडाइज पिच पर बाबर ने टॉस जीतकर चेस करने का फैसला क्यों लिया, वो भी तब जब बड़े स्कोर को पाकिस्तानी टीम चेस करने में ज्यादा कामयाब नहीं होती। ये ठीक है कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 300 के ऊपर रनों को चेस किया था, लेकिन इस वक्त लंकाई टीम का भी हाल बेहाल है। वहीं कंगारू टीम के खिलाफ वो ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। नतीजा बाबर का ये डिसीजन पाकिस्तानी टीम पर भारी पड़ा। फिर जब बात बल्लेबाजी की आती है तो ओपनर्स के शानदार शुरुआत करने के बाद भी ना तो शफीक और ना ही इमाम कोई बड़ी पारी खेल पाए। ऊपर से बाबर आजम बैटिंग वाली पिच पर महज 18 रनों पर चलते बने। ऐसे में अगर कप्तानी बड़े और अहम मुकाबले में कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो भला टीम किसे फॉलो करेगी। यहाँ बाबर आजम की अगर कप्तानी की बात करें तो वो बिलो एवरेज ही रही, और अगर पाकिस्तान का यही सिलसिला जारी रहा तो वर्ल्ड कप से जल्दी पाकिस्तानी टीम के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।